आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार। बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार हैं। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, चुनाव के बाद के बात तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए, ये आपको क्या दिखाता है। तो मजाक में लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है, यहां से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी बदहाली या जंगल राज है। वो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहां जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीत कर यूपीए में बना रहे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।